के बारे में हमने पढ़ना है, एवोगैड्रो के बारे में पढ़ना है। किसी लाइन पे आ जाए, एवोगैड्रो के नंबर के नजरिए ने किसी शायर की दी गई मिकदार में पार्टिकल की तादाद की शुमार को आसान बना दिया। ये नंबर कौन सा होता है? 6.023। ये क्या होता है? इसे हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं और इसे हम एन ए से ज़ाहिर करते हैं। एन नंबर हो गया और ए से एवोगैड्रो, ठीक हो गया। एन से मुराद नंबर। अगर एवोगैड्रो के बारे में आ गया तो आपने इसकी डेफिनेशन लिख देनी है, उसके बाद आपने इसकी सुम्मा लिखनी है, हम इसे किससे ज़ाहिर करते हैं। आपने क्या इसमें से एक डेफिनेशन कर लेनी है और इसकी सुम्मा करनी है। आगे वाला टॉपिक पे आ जाए, मोल दूसरी लाइन पे आ जाए। क्या आज के टॉपिक? मोल। हम एक मोल की तारीफ यूं भी कर सकते हैं कि यह किसी शय की वो मकदार है जिसमें शय के 6.02 × 10 की ताकत 23 पार्टिकल्स मौजूद दाद के दरमियान तल्लुक को वाजह करता है। आपने बस यही मोल की डेफिनेशन कर लेनी है। अब दूसरा इधर टर्म यूज है, मोलर मैस। कौन सी टर्म यूज हुई है? मोलर मैस। दूसरे पैरे में आ जाए, अंदर से शुरू करें। किसी शय के मास से मुराद एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मैस या फार्मूला मैस है। इन तमाम इकसाम्स के मैस को एटॉमिक यूनिट कहता है, लेकिन जब इन मैसेज को ग्राम में लिखा जाता है तो फिर हमें क्या कहते हैं? मोलर मास। इसमें क्या क्या आ जाते हैं? पहले उन्होंने क्या कि ग्राम आ गया, फिर मॉलिक्यूल का आ गया, एटॉमिक आ गया, फिर मॉलिक्यूल का, और उसके बाद एक पार्टिकल या फार्मूला यूनिट का, ठीक है।